मध्य प्रदेश के सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चलते ऑटो रिक्शा में सफर कर रही एक महिला के साथ चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें चलते ऑटो रिक्शा में महिला के पर्स से कैश और गहने चोरी हो गए। वारदात सामने आते ही महिला ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जहां शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड ए टू जेड ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक फरियादी प्रद्युमन पिता नरेंद्र सिंह निवासी शारदा कॉलोनी पड़ापुरा बागराज वार्ड ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि वह अपनी मां सुमन सिंह के साथ बागराज वार्ड से ऑटो से बस स्टैंड होते हुए परकोटा से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रहा था। तभी परकोटा पर ऑटो में जगह नहीं होने पर भी ऑटो वाले ने एक महिला को बैठा लिया। इसके बाद स्टेशन पहुंचे और ऑटो से उतरे तो ऑटो का किराया देने के लिए मां ने पर्स निकाला और पर्स खोला तो उसमें रखे 15,000 रुपए कैश, सोने का मंगलसूत्र, 2 सोने की झुमकी और 3 अंगूठी गायब थी। वारदात सामने आते ही आसपास तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। मामले में कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सागर से आदर्श दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड ए टू जेड ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश।